अजय देवगन की हालत इस समय घायल शेर की तरह है। बॉक्स ऑफिस पर शिवाय की असफलता से वे लहूलुहान हैं। 100 करोड़ तक पहुंचने के बाद भी अजय के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि बजट भारी भरकम था। अजय के स्टारडम को लेकर सवाल उठाए गए और इससे अजय तिल मिला गए। बातों से इन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, ये अजय जानते हैं, इसलिए वे खामोश हैं और सुपरहिट फिल्मों के जरिए ही जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अक्टूबर तक उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, एक बादशाह और दूसरी गोलमाल अगेन। अजय से जुड़े लोग बताते हैं कि 500 करोड़ का टारगेट उन्होंने दोनों फिल्मों से तय कर रखा है, बादशाह से 200 करोड़ प्लस और गोलमाल अगेन से 300 करोड़ प्लस। अजय की फिल्मों ने अब तक 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, लिहाजा यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण कुछ लोगों को लगेगी, लेकिन बाहुबली 2 के रिलीज होने के पहले 1000 करोड़ भी एवरेज से ऊंचा नजर आता था। दर्शकों को फिल्म जम गई तो कुछ भी मुश्किल नहीं है।